हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप सबका स्वागत है क्रिकेट हिस्ट्री में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन प्लेयर्स के बारे में जिन्होंने क्रिकेट को बहुत ही जल्द अलविदा कह दिया। तो बात को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इंटरनेशनल क्रिकेट खेलना हर क्रिकेट खेल रहे खिलाड़ी का सपना होता है। कुछ खिलाड़ी क्रिकेट के मैदान पर लंबे समय तक अपने देश के लिए खेलते हैं, तो वहीं कुछ निजी परेशानी के चलते किसी और हालात के कारण संन्यास ले लेते हैं। हालांकि कुछ खिलाड़ियों का क्रिकेट सफर इतनी जल्दी खत्म हो जाता है कि ये सभी क्रिकेट फैंस को हैरान कर देते हैं कि आखिर इन्होंने संन्यास लिया तो लिया क्यों। तो ऐसे में आइए आज जानते हैं 5 क्रिकेटर्स का नाम जिन्होंने कम उम्र में ही क्रिकेट के खेल से दूरी बना ली। तो सबसे पहला नाम आता है जफर अंसारी का। इंग्लैंड की तरफ से 3 टेस्ट और 1 वनडे मैच खेलने वाले जफर अंसारी ने 25 की उम्र में ही क्रिकेट को अलविदा कह दिया। उफ, इतना दुखदाई एहसास। अंसारी का क्रिकेट से दूर जाना सभी के लिए हैरान कर देने वाला था, और तब उन्होंने ये कारण बताया कि उन्होंने वकालत की पढ़ाई करनी है। आप बिलीव कर सकते हैं, उन्होंने ऐसी बात बोली? ओहो, इतनी गंदी बात तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुनी। अंसारी ने कैसे बोल दी? खैर, आप भी मत सुनो, आगे बढ़ते हैं। दूसरे खिलाड़ी हैं जेम्स टेलर। जेम्स टेलर इंग्लैंड की तरफ से लिमिटेड ओवर क्रिकेट में बेहतरीन बल्लेबाज थे दोस्तों, और उनका करियर अच्छा भला चल रहा था, लेकिन उन्हें दिल की बीमारी हो गई और तब उन्होंने क्रिकेट से दूरी बना ली। जेम्स टेलर ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के जरिए दी, जहां उन्होंने आईसीयू से ही एक फोटो शेयर किया। टेलर ने जब संन्यास लिया तब वो महज 26 साल के थे। दिल की बीमारी, वो भी 26 साल की उम्र में, शायद कहीं दिल लगा बैठे होंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। तीसरे खिलाड़ी हैं क्रेग कीस्वेटर। इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज क्रेग कीस्वेटर ने आंख में लगी गंभीर चोट के कारण क्रिकेट को 27 साल की उम्र में ही अलविदा कह दिया। कीस्वेटर 2010 के T20 वर्ल्ड कप फाइनल में मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। इंग्लैंड के काउंटी क्रिकेट के दौरान एक गेंद सीधा उनकी हेलमेट के अंदर चली गई, जिससे उनकी आंखें जो थी वो बुरी तरह घायल हो गई। अरे भैया, आंख क्या घायल हुई, उनकी तो जिंदगी घायल हो गई। अरे भैया, इतनी जल्दी हार मान गए? हमारे टाइगर पटौदी से ही सीख लेते। आंख पर चोट लगने के बावजूद उन्होंने मैदान पर अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया, सीख लेते थोड़ा। एनीवेज, चौथे खिलाड़ी आते हैं टटेंडा टाइगू। जिम्बाब्वे क्रिकेट की बल्लेबाजी क्रम में वो एक अच्छे खिलाड़ी थे। उन्होंने 29 साल की उम्र में ही क्रिकेट को अलविदा कह दिया। कारण जानेंगे क्यों? बताता हूँ, थोड़ा सा सब्र रखो। टाइबू 21 साल की उम्र में जिम्बाब्वे के टेस्ट कैप्टन बने थे। उन्होंने जिम्बाब्वे के लिए 150 वनडे, 28 टेस्ट मैच और 17 T20 मैच खेले थे। कहा जाता है कि उन्होंने चर्च में पादरी के काम के लिए क्रिकेट से दूरी बना ली। अरे भैया ताइबू, आपको पादरी बनने की इतनी क्या जल्दी थी? क्रिकेट भी तो एक धर्म है, उसी की सेवा कर लेते। खैर, ये उनका पर्सनल डिसीजन था, हम कौन होते हैं राय देने वाले। आगे बढ़ते हैं। तो पांचवें खिलाड़ी आते हैं मोहम्मद आमिर। पाकिस्तान के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने 29 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट मैनेजमेंट उनको मानसिक दबाव दे रही थी, जिसके कारण उन्होंने ये कदम उठाया। उन्होंने पाकिस्तान के लिए 119 टेस्ट, 81 वनडे और 59 T20 मैच खेले हैं। प्लेयर तो आप जानदार थे आमिर। खैर, थोड़ा सह लेते, गुस्सा पी लेते यार, कोई बात नहीं। तो दोस्तों, ये थे 5 क्रिकेटर जिनके अंदर क्रिकेट अभी बहुत बाकी था और लोगों के अंदर चाह थी कि उनका बेस्ट परफॉर्मेंस वो देखें, लेकिन वक्त के हाथों वो मजबूर हुए और क्रिकेट को उन्होंने अलविदा कह दिया। अरे यार, दिल ही तो टूटा था, हौसला तो नहीं, इतनी जल्दी क्रिकेट क्यों छोड़ दिया यार। पर चलो, ये आपका पर्सनल डिसीजन था, तो अब क्या बात करें। हाँ, अब समय आ गया है आपसे अलविदा कहने का। पर दोस्तों, जाते जाते मैं आपको एक शेर सुनाना चाहता हूँ। क्या था? हाँ, तूफान में कभी ताश का घर नहीं बनता। तूफान में कभी ताश का घर नहीं बनता, रोने से कभी बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो यारों, एक बार हारने से कोई फकीर नहीं बनता और एक बार जीतने से कोई सिकंदर नहीं बनता।